स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पे जो टैक्स लगता है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। अगर आप कोई भी इक्विटी स्क्रिप्ट म्यूचुअल फंड या स्टॉक परचेज करते हैं और उसको विद इन अ ईयर सेल करते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो कि 15% ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का 15%। और अगर आप उसको एक साल तक होल्ड करते हैं, 365 दिन कंप्लीट होने के बाद बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,00,000 तक के प्रॉफिट तक फ्री है। मतलब आपने अगर 1,00,000 रुपये लगाया और आपका 2,00,000 का 2,00,000 हो गए बढ़ के, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर एक साल के बाद बेचा तो, एक साल के अंदर बेचोगे तो 15,000 रुपये देना पड़ेगा प्रॉफिट का, एक साल के बाद बेचोगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको 2,10,000 रुपये मिले, 1,00,000 रुपये लगाया बढ़ के वो 2,10,000 हो गया, यानी 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,00,000 तक फ्री हो गया, बचा हुआ 1,00,000, इस पर 10% का टैक्स लगेगा यानी कि 1,000 रुपये। तो यानी कि 1,10,000 रुपये कमाए, टैक्स कितना बचा, बना 1,000 रुपये का। तो यानी लॉन्ग टर्म रखना इसीलिए अच्छा रहता है। तो हमेशा इक्विटी और शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, SIP को हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है। और जनरली म्यूचुअल फंड्स में जो एग्जिट लोड होता है वो भी एक साल तक का ही होता है, एक साल में एग्जिट लोड लगता है, एक साल के बाद बेचोगे वो भी नहीं लगेगा, तो 1% का एग्जिट लोड भी लग जाएगा अगर बेचना बेचोगे तो, 15% का टैक्स लगेगा और 1% का एग्जिट लोड लगेगा टोटल पे, आपकी कैपिटल पे भी लग जाएगा। यानी कि आपने 1,00,000 रुपये जमा किए और उसमें कुछ भी नहीं बढ़ा, 1,00,000 ही पड़ा हुआ है, आपको निकालना पड़ गया तो आपका 99,000 रुपये मिलेगा आपको, 1% कट जाएगा। तो इसलिए एक साल के अंदर हमें इक्विटी नहीं बेचना चाहिए, एटलीस्ट होल्ड मोर देन 1 ईयर। हाँ, हर एक कंपनी जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपने उसको मैनेज करने के लिए एक नॉमिनल एक्सपेंस चार्ज करते हैं, जिसमें उनका फंड मैनेजर की सैलरी जाता है, वो विज्ञापन दिखाते हैं, अपना फंड मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, रिसर्च करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीम हायर करते हैं, तो उसका कुछ कॉस्ट लगता है, तब वो आपके लिए पैसा बनाते हैं, तो उसका वो उसको एक्सपेंस कहते हैं, तो एक्सपेंस चार्ज करते हैं वो।